Assalamu alaikum everybody. हाँ जी, तो वीडियो देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। फुल पंजाबी रेसिपी है और बहुत बहुत मज़े की रेसिपी है। बहुत ज़्यादा शौक से लोग कढ़ी पकौड़ा खाते हैं और हम घर वाले पर्सनली बहुत मज़े से खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पकौड़ों के अज्जा देख लें। पहले हमें कौन कौन से चाहिए। पालक चाहिए हमें, आलू बारीक कटे हुए चाहिए, प्याज चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, बेसन चाहिए और मसालों में हमें चाहिए रेड क्रश पेपर, नमक, भुना धनिया और साथ में ज़ीरा। मैंने इंग्रेडिएंट्स नीचे मेंशन कर दिए हैं, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने पालक जो है उसको डाल लेना है एक बोल में और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और साथ में इसमें डालेंगे आलू और जितने भी हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देंगे। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत मुश्किल हो जाना है वॉइस ओवर करने के लिए, अभी मैं पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ। शो योर लव प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे हमें पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच दही और साथ में 1 अंडा। शायद आपने पहले कभी ये रेसिपी ऐसे देखी हो या नहीं, लेकिन इससे पकौड़े इतने मज़े के बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेसन और बेसन को शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आपको पता ही है पकौड़ों का बैटर हम किस तरह का रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा ना थिन होगा और नॉर्मल सा पेस्ट बना लेंगे पानी हंसपे ज़रूरत डाल के। जी, पकौड़ों का तो मिक्सचर हो गया रेडी। अब हम आ जाते हैं कढ़ी की तरफ। कढ़ी में हमें सबसे पहले चाहिए बेसन और साथ में हमें चाहिए लस्सी। अच्छा, लस्सी अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 किलो दही लेंगे और उसमें उसको अच्छी तरह फेंट के उसमें हंसपे ज़रूरत पानी डालेंगे, ठीक है, तो वो आपकी लस्सी बन जाएगी। यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। टमाटर है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और बाकी मसाले हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम डालेंगे एक पैन में ऑयल और यहाँ पे हम पकौड़ों का ये मैंने बैटर रेडी कर लिया है तो पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर लेके आप छोटे छोटे पकौड़े बनाते जाएं। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो तो फिर आप इसको निकाल लें। पकौड़े तो सभी को बनाने आते होंगे ना। हाँ, ये हो सकता है कि तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है सबका, लेकिन पकौड़े तो सभी को आते होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे पकौड़े हैं मैंने सारे रेडी कर लिए हैं तो इसके बाद हम आ जाते हैं कढ़ी की तरफ। तो 1/2 कप ऑयल डालेंगे और उसमें डालेंगे प्याज जो हमने स्लाइस करके काटी हुई है और इसका हम मसाला बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट और ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है। और फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो तो फिर आपने इसमें डाल देना है टमाटर और मिर्च जो आपने काट के रखी हुई है वो। अच्छे से मसाला भूने और उसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दें। स्पाइसेस में गरम मसाला है, लाल मिर्च है, हल्दी है और नमक है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लें। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इसमें लस्सी डालने की। तो यहाँ पे जो मैंने लस्सी ली है ये 1 लीटर है और इसमें 3 चम्मच बेसन के डाले हैं भर के और उसके बाद इसको मिक्स करके अच्छे से आपने डालना है। जैसे ही लस्सी आप डाल रहे हो तो इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। थोड़ी थोड़ी करके आप सारी इसमें लस्सी शामिल कर देंगे और फिर जनाब आप इसको पकाएंगे। अच्छा जी, फिर आपने जनाब इसको पका लेना है अच्छे तरीके से। जितनी कढ़ी को ज़्यादा पकाते हैं उतना ही इसका ज़्यादा टेस्ट डिवेलप होता है। तो यहाँ पे ये देखें थिक होना शुरू किया तो मैंने इसमें डाले हैं 3 ग्लास पानी के और फिर इसको 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। बीच में आप
ज़रूर उसको चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये नीचे नहीं लगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगी तो इस टाइम पे आके आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और सारे जो पकौड़े हैं उनको डाल लेना है आपने कढ़ी में। अच्छा जी, पकौड़े डाल के आप लोगों ने इसको कर देना है फ्लेम को ऑफ। कढ़ी हमारी हो गई है रेडी। अब हम आ जाते हैं तड़के की तरफ। बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका। अच्छा जी, ऑयल लिया मैंने, उसको गर्म होने दिया है, उसमें डाला है ज़ीरा, लाल मिर्च और साथ में हरी मिर्च। ठीक है, इनको आपने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, और जैसे ही थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन हों तो फिर आपने इनको दे देना है कढ़ी को तड़का। और यार ये इतनी अच्छी बनी थी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह।